सबों को जय यीशु। यीशु क्रिस्त में मेरे सभी युवा भाई और बहनों, हम पुनः एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं ईश्वर का वचन सुनने। और मैं प्रभु से यही निवेदन प्रार्थना करती हूं कि इन वचनों के द्वारा आपका जीवन शुद्ध हो जाए, आप ईश्वर की इच्छा को जान पाए और ईश्वर के मार्गों पर चलने के लिए परमेश्वर आपको कृपा दे और आपको सामर्थ्य प्रदान करे। तो मेरे सभी युवा साथियों, कुछ समय पहले मैंने एक प्रचारक के बारे में पढ़ा जो अपने जीवन के बारे में कुछ बातें बतला रहे थे, उनके पारिवारिक जीवन के बारे में। और वो बता रहे थे उनके चार बच्चे हैं, उनके चार संतान हैं, और बता रहे थे कि बचपन से कैसे वो अपने संतानों को यीशु में, यीशु इस विश्वास में उनको सुदृढ़ बनाने के लिए उनके लिए उनके साथ कितना समय बिताते थे, सही शिक्षा देने के लिए, ईश्वर के वचनों को सुनाने के लिए और ईश्वर की आज्ञाओं के अनुसार उनका जीवन चले उसके लिए उनके साथ इतना समय बिताकर उनका अच्छी तरीके से लालन पोषण करते थे। और एक बार प्रचारक ये भी कहने लगे कि जब वो छोटे थे और बिल्डिंग के या तो अड़ोस पड़ोस के कई दूसरे बच्चों के साथ जब वो खेलते और आने के पश्चात जब उन बच्चों से, अपने ही बच्चों से उन्होंने अगर कुछ ऐसा सुना जो विश्वास के विरुद्ध है तो पिता को जरा भी ये अच्छा नहीं लगता और पिता जाकर कह देते बच्चों को कि आइंदा तुम उन बच्चों से तुम्हारा मिलना जुलना नहीं होगा, या तो जाकर अड़ोस पड़ोस के माता पिता से कहते कि आप अपने बच्चों को सही शिक्षा दीजिए। और वो प्रचारक बता रहे थे कि जब उनके बच्चे बड़े हो गए, जब कॉलेज में भी जाने लगे, तो जब उनको पता चला कि उनके दोस्त, कोई भी मित्रगण उनको परमेश्वर के विश्वास से उनको गुमराह करना चाहते हैं या तो उनको पाप के मार्ग की ओर या किसी कुकर्म की ओर प्रेरित करना चाहते हैं या संसार के तौर तरीके सिखलाना चाहते हैं, तो वो प्रचारक बता रहे थे, वो पिताजी बता रहे थे, मेरा खून खौल उठता, मुझे लगता कि मेरे बच्चों को मैं कैसे उनका निरीक्षण, उनका कैसे संरक्षण करूं। जब ये प्रचारक ये सारी बातें बता रहे थे, मैंने जब उनके बारे में ये सब सुना तो अचानक मेरे दिमाग में मेरे बचपन की कुछ बातें मुझे याद आ गई। हमारे घर में हम तीन भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरी छोटी बहन है और मेरा छोटा भाई है, और मेरा भाई मुझसे 10 साल छोटा है। तो बचपन से ही मेरा उसके साथ बहुत ज्यादा लगाव रहा और उसका भी मेरे साथ, बल्कि हमारी मम्मी से भी बढ़कर, यानी मेरा भैया मुझसे ज्यादा और करीब था। तो मैं उसको स्कूल में लेकर जाती हूँ, उसकी सारी पढ़ाई मैं करवाती, सब कुछ मैं ही करवाती। और मैं जानती हूँ कि बचपन में जब वो चौथी कक्षा में था, मुझे याद है कि जब एक दिन वो स्कूल से वापस आया तो उसने कहा कि पता है दीदी, कल जाकर हम कुछ ऐसा कुछ करने वाले हैं। और मैंने पूछा क्या करने वाले हो, तब कहा कि उनके सारे दोस्तों ने कुछ तय किया है कि हम क्लास में कुछ बदमाशी करने वाले हैं एक टीचर के साथ, और जो टीचर से वो बहुत ज्यादा उनको, यानी अच्छे नहीं लगती है वो टीचर, और उनके साथ कुछ बदमाशी करने वाले हैं, कुछ शरारत करने वाले थे। मैंने जब ये सब सुना तब मैंने कहा किसने तुम्हें ये सब बताया, किसने तुमको ये सब सिखाया। मैं बहुत गुस्से में आ गई, मैंने कभी तुमसे ऐसी कुछ बातें सिखाई है, मैंने तुम्हें क्या सिखाया है और क्या हमारे घर परिवार की क्या शिक्षा है, कभी भी अपने बुजुर्गों या अपने बड़े लोगों से या अपने टीचर लोगों से ऐसे कभी व्यवहार करते हैं। तो उसने कहा पर मैं क्या करूं दीदी, सभी दोस्तों ने ऐसे तय किया है। और मैंने कहा आइंदा तुम ऐसे दोस्तों से नहीं मिलोगे। और अगले ही दिन मैं जाकर टीचर से मिली, उनके प्रिंसिपल से मिली और कहा कि मेरे भैया को इन दोस्तों के साथ ना बिठाना, उनको अलग बिठा देना। और मैंने जाकर कंप्लेन कर दी कि आपके क्लास में ऐसे भी बच्चे हैं जो इस तरीके से शरारत करना चाहते हैं। उस समय मैं उत्तेजित होकर ये मैं सब कर रही थी, पर आज मैं सब सोचती हूँ तो मुझे लगा क्यों ये मैं सब कर रही थी, क्यों? क्योंकि मैं किसी भी तरीके से अपने भैया की रक्षा करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो कोई ऐसा
कदम उठाए जो गलत हो, वो कोई भी कुमार्ग पर जाए और जो लोग उनको इस तरीके से भड़काना चाहते हैं या गुमराह करना चाहते हैं या उसके उसके सही मार्ग पर रोड़े डालना चाहते हैं, मैं उनके विरुद्ध हो जाने वाली थी। अब यही बात अगर मैं जब ये सोच रही थी तब मुझे लगा, अगर मुझे ऐसा होता है अपने भैया के लिए, उस पिता को अपने बच्चों के लिए ऐसा होता है, तो हमारे पिता परमेश्वर को कितना होता होगा उनके बच्चों के लिए। जब कोई उनके संतानों को, उनके प्रिय जनों को सत्य मार्ग से, उनके वचनों के आधार पर जो मार्ग है, जो मार्ग उन्होंने, उनकी संहिता का जो मार्ग है, उस मार्ग से उनको अगर कहीं पर गलत मार्ग की ओर गुमराह करना चाहते हैं, तो पिता परमेश्वर उनके उनके हृदय पर क्या बीतती होगी। और यही बात तो यीशु भी बतलाते हैं, जब यीशु इस बारे में जब उल्लेख करते हैं मत्ती के सुसमाचार में, उनके वचन कितने कठोर है। ये मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 में हम ये पढ़ते हैं, और परिवेश ये है कि शिष्यों ने पूछा यीशु से, क्या पूछा, सवाल ये था, स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा कौन है। अब हम इसको ये भी जाने कि इस सवाल को पूछने के से पहले प्रभु यीशु ने दो बार दुख भोग के बारे में शिष्यों को बतला दिया है, और ये भी बताया है कि स्वर्ग के राज्य में अगर तुम्हें प्रवेश होना है, तुम्हें अगर मेरे पीछे आना है, तो तुम्हें क्रूस उठाकर आना है। इसके पश्चात भी अभी भी इनकी धारणा, उनकी सोच, उनकी कल्पना स्वर्ग के राज्य के बारे में बहुत सांसारिक है। उनको लगता है वो राज्य ये सांसारिक राजनैतिक राज्य के समान है, जहां पर ऊंचा नीचा या कोई मंत्रीगण पाएगा या कोई पद पाएगा या कोई औहदा पाएगा, और इससे वो सोच रहे हैं हमें कैसा, हमें कौन सा पोजीशन मिलेगा, हमारा स्टेटस क्या होगा। इस कारण से तो ये पूछ रहे सबसे बड़ा कौन है। पर यीशु का जो जवाब उनको चौंका देने वाला जवाब था, यीशु वहां पर एक छोटे बालक को उनके सामने लाकर खड़ा कर देते हैं और कहते हैं, जब तक तुम इस छोटे बच्चे के समान ना बन जाओ, बल्कि यीशु कहते हैं मैं तुम लोगों से ये कहता हूं कि यदि तुम फिर छोटे बालकों जैसे नहीं बन जाओगे तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। यीशु ने बताया कि तुम्हें उस बच्चे के समान बनना है। बच्चा एक बालक होता है जो नन्हा मुन्ना है, वो किस पर, वो कमजोर है, वो दुर्बल है, वो बेसहाय है, और वो अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता, और वो निर्भर है, अपने माता पिता पर निर्भर है अपनी रक्षा के लिए, अपनी जरूरतों के लिए। और यीशु आगे चलकर ये बतलाते हैं कि जो मेरे नाम पर ऐसे बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है। तो यीशु अब तक ये सारी बातें बतला रहे हैं कि तुमने अगर इस बालक को कितना प्राधान्य दे रहे हैं, और यीशु कह रहे हैं अगर तुमने उसको मेरे नाम से स्वागत किया तो तुमने मेरा स्वागत किया। अचानक यीशु के शब्दावली, यीशु की वाणी, यीशु की बोली एकदम अलग हो जाती है। सुनिए वचन 6 में, 18 मत्ती का सुसमाचार अध्याय 18 वचन 6 में यीशु कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करने वाले उन नन्हों में से एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में डुबा दिया जाता। प्रलोभनों के कारण संसार को धिक्कार, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। ये यीशु के मुख से निकले हुए शब्द है, अजीब लगते हैं ना। यीशु जो कितने करुणामय है, जो कितने दयालु है, आज ऐसे कठोर शब्द बोल रहे हैं कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और समुद्र की गहराई में वो डुबा दिया जाता। क्यों यीशु ऐसा कह रहे हैं? पर यीशु ये शब्द यीशु के हृदय की भावना को प्रकट कर रहे हैं कि यीशु कितना चाहते हैं नन्हे मुन्ने बालक, केवल ये नन्हे मुन्ने बालक नहीं है, बल्कि यीशु यहाँ पर छोटे बालकों को नहीं कह रहे, बल्कि जो मुझ पर विश्वास करने वाले उन नन्हों में से, यानी
जो ये जो नन्हे बालक है ये कमजोर है, दुर्बल है, यानी जो मुझ में विश्वास कर रहे हैं, जिनका विश्वास अब तक परिपक्व नहीं हुआ है, जो यानी एकदम विश्वास में आगे नहीं बढ़े हैं, जो अभी तक कच्चे खिलाड़ी है, जो कमजोर है, जो दुर्बल है, अब तक उनका आस्था, उनकी आस्था, उनकी श्रद्धा एकदम दृढ़ नहीं हुई है, ऐसे लोगों को अगर तुम गुमराह करोगे या उनको पाप के मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करोगे, उन्हें मुझसे दूर करोगे, तो मेरा हृदय, मेरा खून भी खौल उठेगा। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई भी मेरे इन नन्नों में के विरुद्ध जाए। देखिए यीशु की ये भावना, ये यीशु पिता के हृदय को प्रकट कर रहे हैं, क्योंकि आगे चलकर यीशु ने कहा वचन 10 में, सावधान रहो। देखिए यीशु क्या शब्द बोल रहे, सावधान रहो, इन नन्नों को तुच्छ ना समझो, एक को भी तुच्छ ना समझो। मैं तुमसे कहता हूँ उनके दूत स्वर्ग में निरंतर मेरे स्वर्गीय पिता के दर्शन करते हैं। यानी नन्नों एक एक के पास प्रभु ने स्वर्ग दूतों को तैनात किया है कि तुम उनकी रक्षा करोगे, और उस रक्षा में, उस स्वर्ग जो परमेश्वर का जो कार्य है, उसके विरुद्ध अगर कोई भी आता है तो परमेश्वर से ये सहा नहीं जाता। इसे आगे यीशु ये भी कहते हैं वचन 14 में, इसी तरह मेरा स्वर्गीय पिता नहीं चाहता कि उन नन्नों में से एक भी खोया जाए। देखिए ये पिता का हृदय प्रभु प्रकट कर रहे हैं, पिता को एक एक आत्मा प्रभु के लिए कितनी महत्व, कितना महत्व रखता है, कितनी अहमियत देते हैं प्रभु एक एक आत्मा के लिए। इसे 99 को छोड़कर एक के लिए प्रभु जाते हैं। पुराने विधान में प्रभु ने इब्राहिम को ये वादा दिया था, क्या उनकी प्रतिज्ञा क्या थी, जो तुम्हें आशीष देगा मैं उन्हें आशीष दूंगा, जो तुम्हें श्राप देगा मैं उन्हें श्राप दूंगा, वो श्रापित हो जाएंगे। यानी परमेश्वर क्या चाहते हैं, हम जब परमेश्वर की, और प्रभु ये भी कहते हैं कि तुम मेरे आंखों की पुतली हो, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। इसलिए ये जो नन्हे भाई बहन हैं, जो विश्वास में अभी तक सुदृढ़ नहीं हुए हैं, जो धीरे धीरे कदम उठा रहे हैं, उनके लिए अगर हम कोई भी गलत उदाहरण दे या उन्हें कहीं पर भी भटकाने के लिए हम कोई भी कार्य करें, तो ये परमेश्वर से सहा नहीं जाएगा। रोमियो के नाम पत्र में संत पौलुस ने भी यही कहा, अध्याय 14 में हम पढ़ते हैं वचन 1 में, कि यदि कोई विश्वास में दुर्बल हो तो आप उनका स्वागत करें। प्रभु चाहते हैं कि हम जो कमजोर है उनके हम विश्वास को बनाए, उनको तोड़े नहीं, उनको गुमराह ना करें। और इसे आगे लिखा है वचन 13 में, इसे हम लोग आगे चलकर एक दूसरे का न्याय नहीं करें, बल्कि ये निश्चय कर ले कि हम अपने भाई के मार्ग में ना तो रोड़ा अटकाएंगे और ना ठोकर लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर साफ स्पष्ट रूपों में बतलाया गया है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। आज भी मैं जानती हूँ कि मुझे याद है, मैं कुछ सालों पहले मैं उड़ीसा गई थी राउरकेला, और वहाँ डॉन बॉस्को का एक स्कूल है, जहाँ पर अनेक बच्चों को वहाँ पर हम साधना देने चलाने हम गए थे, और काफ़ी भारी संख्या में राउरकेला के अनेक विश्वासीगण वहाँ पर शामिल हुए थे। और अंतिम दिन कुछ बेटियाँ, छोटी बेटियाँ और कुछ बच्चे मुझसे मिलने आए, और कुछ बड़े बुजुर्ग भी मिलने आए, तो मैं उन बच्चों को ज़्यादा ध्यान दे रही थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि इन बच्चों को सही, क्योंकि उनकी वहाँ के फादर ने भी मुझे कहा था कि बच्चों को जरूर थोड़ा सा काउंसलिंग दीजिएगा। तो बच्चों से जब मैं बात कर रही थी, उसमें एक बेटी मेरे पास आई, 5वीं कक्षा की बेटी होगी या 6ठी कक्षा में थी, और उसने कहा कि दीदी प्लीज़ आप मेरे लिए प्रार्थना कर कीजिए। और वचन सुनने के बाद मुझे बहुत दुख हो रहा है, मुझे अपने आप पर घिन हो रहा है, पर अब मैं क्या करूँ, मैं मुझसे नहीं होता, या मैं मुझे बहुत गंदगी आ गई है। और मैंने पूछा क्या हुआ बेटी बताओ। सिंह दीदी मुझे बहुत गंदे गंदे विचार आते हैं, गंदे गंदे ख्यालात आते हैं, और गलत कल्पनाएं मैं करती हूँ। और मैंने पूछा, यानी उसने कहा कि मुझे काफ़ी लैंगिक विचार आते हैं, लैंगिक कल्पनाएं करती हूँ। तब मैंने कहा कि तुमने क्या गलत, क्या यानी किस तरीके से इतने इस कम उम्र में तुम्हें ये सब क्यों, ऐसे क्यों हुआ, क्या किसी ने कुछ कहा है या तुमने कुछ पढ़ा है। तब उसे कहा दीदी मैं सच बताऊं,
हमारे 7वीं कक्षा या 8वीं कक्षा का के कुछ हमारे जो स्कूल में जो बच्चे हैं उसमें एक लड़के ने मुझे एक सीडी दी और कहा कि तुम इसे देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा, एक बार देखना। और मैंने चुपचाप जाकर किसी तरीके से वो सीडी मैंने देखी। उसमें सारे गंदे पिक्चर थे। शुरुआत में मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने बंद कर दिया। पर फिर बाद में मुझे ऐसा लगा, चलो एक बार देख तो लूं। और इस तरीके से मैं पूरा सीडी अनेकों बार देखी। और इसका नतीजा आज ये है कि मैं अब मेरे अंदर ये सारी गंदगी आ गई है, मुझे गंदे गंदे विचार आते हैं और मुझे लगता है कि मैं भी उन लड़कों के साथ यानी मजा लूं या आनंद लूं। तो देखिए, एक लड़के ने एक सीढ़ी देकर इस नन्हे से बालक के दिमाग में क्या दूषण लाकर रखा है। आज हम मैं जानती हूँ एक और एक भैया जो यहाँ पर डिवाइन में आए थे और हमारे एक हमारे जो फादर है जो पहले यहाँ पर थे वो बतला रहे थे कि वो एक दिन चल रहे थे और उन्होंने फादर से कहा, फादर जी ईश्वर मुझसे नाराज है, ईश्वर ने मुझे बहुत बड़ा दंड दिया है। तो फादर ने पूछा क्या दंड दिया। फादर मैंने एक बार मुझसे कुछ गलती हो गई, मुझसे कुछ पाप हो गया और आज उसका नतीजा क्या है, मैं आज जीवन भर इसका आजीवन भर मुझे इसका दंड भुगतना पड़ेगा। फादर जी समझे नहीं और फादर जी ने उस लड़के से पूछा, बेटा खुलासा करो, तुम क्या कहना चाहते हो। तब उस लड़के ने कहा, फादर जी जब मैं कॉलेज में था मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे ये कहा, आओ आज हम तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहां पर जिंदगी का सच्चा मजा तुम्हें मिलेगा। और वो मुझे एक वैश्या के पास लेकर गए और उसके साथ मैंने एक ही बार संबंध जोड़ा और उस संबंध के बाद मुझे शरीर में एक रोग हो गया, मैं एड्स का रोगी हो गया। ईश्वर ने मुझे ऐसा दंड क्यों दिया? ये तो हम जानते हैं ये ईश्वर का दंड नहीं था, ये तो उसके गलत कर्म का फल था। पर देखिए आज वो दोस्त कारण बने हैं। जब परमेश्वर लेखा लेंगे, और परमेश्वर जरूर लेखा लेंगे, हम कह सकते हैं वो मना कर सकता था पर वो उनको उस मार्ग पर ले जाने के लिए उन्होंने वहां पर दिशा दिखाई है, गलत राह दिखाई है। इसी जब हम उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ते हैं, जब काइन ने हाबिल की हत्या की तो ईश्वर काइन के पास आकर क्या सवाल पूछते हैं। प्रभु ने काइन से कहा, अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं कि तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? और उसने उत्तर क्या दिया, मैं नहीं जानता, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं? पर ईश्वर के सवाल में ही जवाब था। सवाल क्या था, तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? ईश्वर ने यह सवाल क्यों पूछा? क्योंकि प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा दायित्व बनता है, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है तुम्हारे भाई की मुक्ति के लिए, उनकी रक्षा के लिए तुम्हारा कोई फर्ज है। हम अपने भाई, अपने बहन, अपने पड़ोसी के रखवाले हैं, जरूर है। अगर परमेश्वर कहते हैं कि एक अगर विश्वास करता है तो एक के विश्वास पर सारे परिवार की मुक्ति मिलती है, तो एक के गलत राह पर चलने के लिए दूसरे लोग भी उस राह से गुमराह हो जाते हैं। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वचन 42 में प्रभु यीशु ने कहा, तुम इन नन्हे बालकों में से एक को भी एक पानी का एक प्याला भी अगर तुम पिलाओगे मेरे नाम से तो तुम्हें जरूर पुरस्कार मिलेगा। यानी हम अपने छोटे भाइयों के लिए उनको सत्कार, उनके लिए उनकी जिंदगी में ईश्वर के राज्य में बढ़ावा देने के लिए अगर हमने कोई अच्छा छोटा कदम भी उठाया है तो प्रभु उसके लिए प्रभु उसका भी इनाम देते हैं, पुरस्कार देते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम उनको उनके लिए उनकी उनके मार्ग में बाधा लाते हैं या पाप करने पर प्रेरित करते हैं या हम उस पाप का कारण बनते हैं, प्रलोभन का कारण बनते हैं, तो जरूर प्रभु हमें जिम्मेदार ठहराएंगे। इसे हम इस बात को, इस पाप को हम हल्का ना ले, हम समझे कि परमेश्वर क्या चाहता है हमसे। हाँ, वी आर रिस्पॉन्सिबल, हम अपनी जिम्मेदारी को उठाएं। हम जब क्रिस्तीय है तो लोग हमारी ओर देखते हैं और प्रभु कहते हैं बालक के समान बनो। बालक आखिर में सीखता कहाँ से है? बालक
किसको देखकर सब कुछ सीखता है? माता पिता को देखकर। माता पिता का आचरण, उनका व्यवहार, उनकी बोली, उनकी शैली, उनके रहन सहन, उसी से तो बालक केवल सीखता है, वो इमिटेट करता है, वो अनुसरण करता है। संत पौलुस ने कितना सुंदर कहा कुरिन्थियों के नाम अध्याय पहला पत्र अध्याय 11 वचन 1 में, इमिटेट मी एज आई इमिटेट क्राइस्ट, मैं जैसे प्रभु यीशु का अनुसरण करता हूं वैसे तुम मेरा अनुसरण करो। तो माता पिता का अनुसरण बच्चे देखकर ही तो करते हैं। मैं जानती हूँ, एक बेटी कह रही थी यानी ऊंचे सैंडल पहनकर, मम्मी के सैंडल पहनकर देखो मैं कैसे मम्मी जैसे साड़ी कैसे अच्छी लग रही हूँ। वो क्या, कहाँ से सीखी ये सब? उसने माँ से देखा, माँ को देखकर ये सब बोल रही है। एक बेटा शेविंग क्रीम लगा रहा है और कह रहा है कि मैं भी शेविंग करूंगा अपने पापा के जैसे, ये सब कहाँ से सीख रहा है? तो आज माता पिता का भी एक, उनका भी बहुत बड़ा प्रभु उनको भी जिम्मेदार ठहराएंगे कि तुमने क्या गलत उदाहरण दिया है तुम्हारे बच्चों के लिए। तुम घर में पीते थे तो तुम बच्चों को कैसे सिखाओगे कि तुम्हें नहीं पीना है? तो यहाँ पर जवान, मेरे जवान दोस्तों, हमें ये भी जाना है, कभी भी इस नशेबाजी में हमने कभी किसी को कहा? आज कितने बच्चों के बारे में मैं जानती हूँ जो कभी पहले उनके घर में कोई ना सिगरेट फूंकता है ना कोई दारू पीता है, पर आज वो लोग पियक्कड़ हैं या तो चेन स्मोकर्स हैं। कारण क्या बना? कि किसी ने उनको उत्तेजित किया, किसी ने उनको चुनौती दी, अरे माँ का बेटा है तो एक बार फूंक लेकर दिखा। और वो एक फूंक बहुत भारी पड़ी, एक फूंक से बनी दो फूंक, और आज वो बेटा गुमराह, आज वो बेटा नशे का एक गुलाम बन चुका है। तो प्रभु तो जरूर उसकी आत्मा जो सर्वनाश के मार्ग पर जा रही है, प्रभु जिसने उसको प्रेरणा दी है, प्रभु उससे भी जवाब मांगेंगे, जरूर मांगेंगे। इसीलिए हबक्कूक के ग्रंथ में परमेश्वर कहते हैं, धिक्कार है उसे, अध्याय 2 वचन 15 में, धिक्कार है उसे जो अपने पड़ोसियों को शराब पिलाता है और विष भी पिलाता है, जिससे वे होश हवास खो बैठे और उसकी नग्नता उभर जाए। देखिए परमेश्वर के वचन, धिक्कार है उसे। क्या हम किसी को नशेबाजी में को पीने के लिए उनको हमने कभी विवश किया है या तो ऐसे हमने कभी सलाह दी है? हम आज क्या सलाह देते हैं? हम किसको किस तरीके से, कोई परिस्थिति आकर हमसे कोई कहता है, अपनी जिंदगी की कोई समस्या बताता है, तो हम क्या उसका सही मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनको सही राह दिखा रहे हैं? हमारे दिव्य ध्यान केंद्र में काफी बंबई से, काफी वसई से काफी लोग आते हैं यहाँ पर, और मछुआरे लोग भी आते हैं। बहुत सिंपल मासूम लोग होते हैं, उनका विश्वास बड़ा सिंपल है, सरल विश्वास वाले लोग हैं। और एक परिवार हमारे पास जो आया, वो कह रहे थे कि आज हमसे बहुत सारी गलतियां हो गई, हमने इतना सारा जादू टोना में और किसी बाबा के पास जाकर हमने अनेक सारी यानी चीजों को लिया है, हमने कुछ मंत्र लिया है, कुछ अंगूठी पहनी है। अब मैंने पूछा कि आप सब ऐसा क्यों किए विश्वासी होने के बावजूद? तब उन्होंने कहा कि क्या करें दीदी, हमारे जीवन में कुछ बहुत बड़ी समस्या, पैसों की समस्या आ गई, बहुत बड़ा कर्जा हो गया, और किसी ने हमको ये बतलाया, हमारे किसी दोस्त ने ये हमको ये बतलाया कि वहां बम्बई में एक जगह है जहां पर एक मुस्लिम बाबा है और उनको वो आपको कुछ पानी देंगे या आपको कुछ एक तावीज पहनाएंगे, उससे आपके अनेक सारी परेशानियों से आप मुक्ति पाओगे। और वो उस बाबा के पास जाकर कई सारी बातों में वो फंस गए, एक बात दूसरी बात में उलझ गई, और कितनी, ये तो जैसे लग रहा था कि जैसे खड्डे में और डूबते जा रहे। और आखिर में वो एकदम इस हाल में उनका, वो इतने बेहाल हो गए कि उनको लग रहा था अब हमें कौन बचाएगा। तब किसी और एक पड़ोसी ने उनको ये सलाह दी, आइए डिवाइन में आइए, परमेश्वर के पास आइए, उनसे माफी मांगिए, पश्चाताप कीजिए, जो भी है जाने दीजिए, प्रभु के पास आइए। देखिए एक ने राह दिखाई उस बाबा के पास, उस मुस्लिम बाबा के पास, और दूसरे ने राह दिखाई, प्रभु यीशु का मार्ग दिखाया। देखिए दोनों ने वही समस्या में एक ने कौन सा कुमार्ग दिखाया और एक ने सन्मार्ग दिखाया। आज हम कौन सा मार्ग दिखा रहे हैं? हम जानते हैं कि बैंगलोर में दो मित्रों के किसी बात पर मतभेद हो गए, तू तू मैं हो गई,
दोनों ने एक दूसरे को कुछ गाली सुना दी और दोनों फिर अलग हो गए। अगले दिन जब एक मित्र के अन्य दोस्तों को जब उसके बारे में, इस झगड़े के बारे में पता चला, तो उन्होंने उसे ये सलाह दी है कि ऐसे इस झगड़े का तुम्हें ऐसे ही चुपचाप नहीं बैठना है, तुम्हें मुंह तोड़ जवाब देना है, जाओ जाकर उसकी टांगे तोड़ दो, उसको भी बता दो कि तुम कैसी हंसती हो, वो तुम्हें ऐसे ही ऐरा गैरा ना समझे। और उस व्यक्ति ने, उस मित्र ने उस वाक्य में वैसा किया। देखिए, एक गलत सलाह दी है वहां पर, सलाह उनके दूसरे दोस्त होते जो परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, तो वो जरूर ये कहते कि जाने दो, हो गया, गलती हुआ सो हुआ, तुम क्षमा कर दो, तुम क्षमा करके आगे बढ़ो। पर नहीं, ये गलत सलाह देने के कारण आज सामने वाले दोस्त के भी टांगे टूट गई, इसको भी फिर जेल में, यानी वहां पर पुलिस केस हो गया। एक छोटी बात का कितना बतंगड़ बन गया और जिंदगी खत्म हो गई, जिंदगी पूरी तबाह हो गई है। कारण क्या? किसी ने गलत सलाह दी। तो आज हम, परमेश्वर जरूर हमसे, हमारे एक एक कदम, हमारे व्यवहार, हमारी बोली, हमारे वचन, हमारा व्यवहार, सबके लिए प्रभु हमसे जरूर उसका हिसाब मांगता है। देखिए, मैं एक यहाँ पर जवान लोगों की रिट्रीट थी, तब एक लड़के ने आकर कहा कि दीदी, मैं जानता हूं कि सबको, सबकी आजादी होती है, सबकी आजादी है, उनको जो पहनना है, जो करना है वो कर सकते हैं, पर कई बार हमें इस आजादी को ज्यादा, उसका ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि किस किस माहौल में हम जा रहे हैं, किसके साथ हम जा रहे हैं, यहाँ कौन लोग आसपास में हैं। उस तरीके से हमें कपड़े भी नहीं पहन के हमें पहनने चाहिए। तब वो बतला रहे थे कि क्रिसमस का दिन था और रात का मीसा का समय था, उसने बहुत मन से प्रार्थना की थी कि प्रभु, मैं आज पूरे तन मन से इस क्रिसमस मीसा में, इस मीसा बलिदान में मैं भाग लूंगा। और जब वहां मीसा बलिदान में वो भाग लेने को वहां बैठा है, मीसा को बीचों बीच अचानक पीछे से टक 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 करके आवाज आ रही है और सबका ध्यान वहां पर गया, और एक लड़की आ रही है जिसका पूरा पीछे का बदन पूरा खुला था और ऐसे बाल, ऐसे बिखरे बिखरे बाल, पूरा स्टाइल मार कर वो आगे बैठ रही है। अब मीसा में सबका ध्यान वेदी पर नहीं है, पर सबका, विशेषकर वो बता रहे कि मेरा ध्यान तो बस उस लड़की की ओर ही जा रहा था, मैं मीसा में ध्यान नहीं लगा पाया। देखिए, उस लड़की का शायद आजकल कई जवान बच्चे ऐसे कहते हैं, उसको अपनी आंखों को संभालना है, वो क्यों हमारी ओर देखे, हम तो जो चाहे पहन सकते हैं। नो, वी कैन नॉट से दैट। हम रिस्पॉन्सिबल है, वी आर रिस्पॉन्सिबल। तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है? तो प्रभु जरूर पूछेगी उस लड़की को कि तुम्हारे पहरवेश से, तुम्हारे कपड़ों से, अगर कोई तुमने किसी को पाप करने के लिए प्रेरित किया, तुम पाप का कारण बने हो, तो मैं तुम्हें भी जिम्मेदार, उसको तो पाप के लिए उसको तो भुगतना ही पड़ेगा, पर तुम्हें भी उसका जवाब देना पड़ेगा। तो आज हम इस बात से छटक नहीं सकते। देखिए, परमेश्वर केवल जब पाप की बात आती है, आगे के वचनों में याद मती के सुषमा अध्याय 18 में 6-7 के बाद जो 8-9 के वचन है, वहां पर प्रभु अपने पाप के बारे में भी बता रहे कि तुम्हारी आंख तुम्हें पाप की ओर घसीटती है, तुम्हारी दाई आंख तुम्हें पाप की ओर घसीटती है, तो उसे निकाल दो, तुम्हारा दाया हाथ तुम्हें पाप की ओर लेकर जाता है, तो उसे काट दो, यही बेहतर हो कि तुम लंगड़े और काने होकर स्वर्ग में प्रवेश करो, ना कि तुम दो आंखों से नरक की आग में झोंके जाओ। यानी आज हमारा जो संसार से हमारा जो रिलेशनशिप है, या तो हम जो जिस तरीके से हम आदान प्रदान करते हैं, वो हमारे शरीर से करते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों से करते हैं, तो प्रभु चाहते हैं कि हम इन अंगों का दुरुपयोग ना करें, वो कभी भी पाप की ओर प्रेरित ना करें। क्यों? क्योंकि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारी आंखें जो चाहे देख ना देखे, परमेश्वर के लिए जो असभ्य है, जो अश्लील है, वो हमारी आंखें ना देखे। हम कभी, क्या परमेश्वर चाहेंगे कि हम पोर्नोग्राफी देखें, किसी का नग्न शरीर देखें? क्या हमारे प्रभु चाहता है कि हमारे पांव किसी शराब खाने में, हमारे वहां पर पांव हो? क्या प्रभु नहीं चाहेंगे कि तुम्हारे कदम मंदिर की ओर बढ़े, या तुम्हारा हाथ कुछ भी ना छुए?
तुम्हारा हाथ वही छुए जो मैं चाहता हूँ, जो सही हो, जो ईश्वर के संतान या ईश्वर का दास होने के लिए जो सभ्य हो। तो इसलिए परमेश्वर हमारे बारे में भी कहते हैं कि हमें भी अपने जिंदगी के लिए, अपने आध्यात्मिकता के लिए हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है। हमें कभी भी पाप को बढ़ावा देने के लिए हमें कभी भी वहां पर उसको कोई भी कारण ना बने, पाप बढ़ने के लिए हमें आगे नहीं बढ़ना है, उसको वहीं पर काट देना है, नहीं तो पूरे शरीर पर उसका उसका असर आता है। एक आंख केवल पाप करती है पर पूरे शरीर को नरक में जाना पड़ता है। तो वैसे ही प्रभु कहता है तुम अपने बारे में भी सतर्क हो जाओ, साथ ही साथ तुम जब जैसे अपनी रक्षा करते हो, अपने जिंदगी आध्यात्मिकता के बारे में जैसे रक्षा करते हो, ठीक वैसे ही तुम्हारा दायित्व बनता है तुम्हारे पड़ोसी की ओर। तुम अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। अगर अपनी रक्षा ऐसे करते हो तो पड़ोसी के लिए भी हमें रक्षा करनी ही होगी ना। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम धरती के नमक बनो। धरती का नमक, नमक का कार्य क्या है? नमक स्वाद लाता है दूसरों की जिंदगी में, और नमक प्रिजर्व करता है, नमक यानी संभाल के रखता है। तो आज हम अगर धरती के नमक बनना है, यानी दूसरों के जिंदगी में स्वाद लाना है, उनके उनकी कमजोरी में बढ़ावा देने का, कमजोरी में उनको सबल बनाने के लिए, हमें उनके विश्वास में बढ़ावा देने के लिए हमें कार्यान्वित होना है, हमें सक्रिय तौर से हमें कुछ कदम उठाने हैं, उनको मदद करनी है। कोई हमारा भाई है जो वहां पर बहुत ज्यादा पिक्चर देखता है बहुत ज्यादा, तो उसे कहना है नहीं भाई चलो आज इतवार है, प्रभु का दिन है, चलो हम प्रभु के मंदिर में जाए, मीसा में भाग ले, आइए हम दूसरे जरूरतमंदों के लिए मदद करें। ऐसे इस तरीके से हमें प्रेरणा देनी है। तो हमें स्वाद लाना है और हमें प्रिजर्व करना है। कभी भी किसी के जीवन को खराब या खत्म करने के लिए हम कार्य ना करें, बल्कि नमक की तरह हम उनकी जो अच्छाई है, अच्छाई को बरकरार रखें, उसे और अच्छाइयों को और बढ़ाने के लिए हम कार्य करें। इसीलिए संत याकूब अपने पत्र में बतलाते हैं, अध्याय 5 अंतिम वचनों में कहा है, मेरे भाइयों यदि आप लोगों में कोई सच्चे मार्ग से भटके और कोई दूसरा उसे वापस ले आए, तो वह समझे कि जो किसी पापी को कुमार्ग से वापस ले आता है वह उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाता है और बहुत से पाप ढांक देता है। हमारा कार्य क्या होना चाहिए? दूसरों को बचाना है। यीशु का जो काम, प्रभु गडरिया का काम हमें भी सौंप रहे हैं कि यीशु ने जब पेतू से कहा तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरी भेड़ों को चराओ, मेरी भेड़ों की रक्षा करो, हाँ, तो हमें भी गडरिया बनना है, गडरिया का काम करना है। हमारे छोटे भाई बहन जो हमारे आस पड़ोस 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 में हैं, हमारे जवान भाई बहनों को, उनको हमें उनको बचाना है, कुमार्ग से बचाना है और सरमार्ग में प्रभु के मार्ग पर लेकर जाना है। तो आइए मेरे सभी जवान भाइयों और बहनों, एक पल के लिए हम अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, आपने हम पर प्रकट किया कि आप कितने प्रेमी परमेश्वर हो। आप अपने नन्हे मुन्ने एक एक संतान के लिए, आपका दिल कितना प्यार से भरा हुआ है। एक एक आत्मा आपके लिए कितनी मूल्यवान है, अमूल्य है। आपका दिल कैसे उनके लिए धड़कता है। आप उनकी रक्षा करने के लिए आप सदैव तत्पर हो। परमेश्वर, हम जानते हैं कि अनेकों बार हमारा गलत व्यवहार, उदाहरण, हमारा चरित्र एक सही मिसाल नहीं दे पाया, हम सही नमूना नहीं बन पाए। हे प्रभु, हमें क्षमा कीजिए हमारे उन सभी गलतियों के लिए, कि जब हमारे किसी गलत कदम के लिए, गलत सलाह के लिए किसी को उसका गलत प्रभाव को गलत तरीके से प्रभावित हुए। हे प्रभु, हमें ये कृपा दीजिए कि हम वाकई में आपके सच्चे साक्षी बन सके, सुसमाचार के जो वचन है
उसको हम अपनी जिंदगी में सक्रिय तौर से उसे जी सके। और प्रभु आपके इस सुसमाचार की महक सब जगह फैला सके, जिस तरीके से जिससे दूसरे लोग भी प्रभु आपकी ओर आकर्षित हो सके और आखिर में हम सभी लोग प्रभु आपकी स्तुति आराधना कर सके। हे यीशु, हम आपके मीठे और मधुर नाम में पिता परमेश्वर से ये नम्र विनती और प्रार्थना करते हैं। आमीन। जय यीशु।